हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम्स। ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ेंगे, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के बारे में भी हम इस क्वेश्चन के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डीपीएपी। ये अर्लीस्ट एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो कि लॉन्च करा गया था सेंट्रल गवर्नमेंट इन 1973-74 में लॉन्च करा गया था टू टैकल द स्पेशल प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय दोस फ्रेगाइल एरियाज व्हिच आर कांस्टेंटली अफेक्टेड बाय द सीवियर ड्रॉट कंडीशन। जो कि सीवियर ड्रॉट कंडीशन से फेस्ड एरियाज है उनके लिए प्रोग्राम लॉन्च करा गया था। दीस एरियाज आर कैटेगराइज्ड बाय द लार्ज ह्यूमंस एंड द कैटल पॉपुलेशन व्हिच आर कंटीन्यूअसली प्रोवाइडिंग द हैवी प्रेशर ऑन द ऑलराइट फ्रेगाइल नेचुरल रिसोर्सेज बेस फॉर द फूड फॉडर एंड द फ्यूल। जो कि ज्यादा ही ज्यादा प्रेशर नेचुरल रिसोर्सेज पे डाल रहे हैं फूड फ्यूल्स इन सब चीजों के लिए, मतलब एकदम सूखा एरिया हमारे पास था उनके लिए प्रोग्राम्स लॉन्च करे गए थे। द मेजर प्रॉब्लम्स आर कंटीन्यूअसली डिप्लीशन ऑफ द वेजिटेबल कवर। जो वेजिटेटिव कवर है वो कम होता जा रहा था, सॉइल इरोजन बढ़ रहा था, ग्राउंड वाटर का लेवल कम हो रहा था, एक कंटीन्यूअस एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था बिना किसी एफर्ट्स के, कोई भी अंडरग्राउंड एक्विफायर्स नहीं थे हमारे पास। इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था प्रोग्राम का, मिनिमाइज करना सारे जो भी एडवर्स इफेक्ट आते हैं ड्रॉट के कारण, या फिर प्रोडक्शन के क्रॉप्स का, या फिर स्टॉक का, लाइफ स्टॉक्स का, प्रोडक्टिविटी लैंड का, वाटर का, या फिर ह्यूमन रिसोर्स का, अल्टीमेटली लीडिंग टू द ड्रॉट प्रूफिंग ऑफ द अफेक्टेड एरिया। जो भी अफेक्टेड एरियाज है, ड्रॉट प्रोन एरियाज हैं। The program also aims to promote the overall economic development. Overall economic development aim करना है, improving the socio-economic condition of the resources. Resources के socio-economic conditions maintain करना है, disadvantages section inhabited the program areas. और program areas में कौन-कौन से sections हमारे बहुत ज़्यादा affected हैं। Coverage. Up to 1994-95, DPAP was operational in 627 blocks के अंदर, 96 districts के अंदर और 13 states के अंदर ये चल रहा था। Professor C.H. Hanumanta Rao committee recommended exclusively 245 existing blocks, 384 नए blocks और 64 blocks DPAPs DDP में transfer हुए थे। The government did not agree for the exclusion of the existing DDP blocks. Exist करना मतलब जो भी exclusion है वो हटाना नहीं चाहती थी government. However, the inclusion of the new blocks and the transfer of the block from the DPAP to the DDP was agreed to. यहाँ पे कुछ blocks थे जो कि transfer होने के लिए बिल्कुल राजी हो गए थे। Thus, in 1995, total blocks covered DPAP become 947. तो total blocks थे वो 947 थे। और ये 947 blocks 164 district के अंदर और 13 states के अंदर थे। Subsequently, the reorganization of the states, the districts and the blocks, the program is now covered in 972 blocks of 183 districts or 16 states. आज की तारीख में इतने districts के अंदर ये blocks covered हैं। These states are Andhra Pradesh, Bihar, Chhattisgarh, Gujarat, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Jharkhand, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Uttaranchal and West Bengal. ऐसे अलग-अलग city states के अंदर ये covered हैं। The identified dry sub-humid areas under the program is about 7.46 lakh square kilometers. इसका जो एरिया है वो 7.46 स्क्वायर किलोमीटर्स का है। यहाँ पे थोड़ा डिटेल्स हमने यहाँ पे डिमेंशन भी कर रखी है। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉस्ट और फंडिंग पैटर्न और ड्यूरेशन कितना है हमारे प्रोजेक्ट का। The prevailing cost prescribed by the watershed project is 500 hectares का एरिया है जिसमें 30.00 lakhs, that is 6000 per hectare area. रुपीज 6000 पर हेक्टर। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने इस रेशियो को 75:25 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करा कॉस्ट को। 80% ऑफ द कॉस्ट इज डिवोटेड टुवर्ड द वाटरशेड डेवलपमेंट। वाटरशेड डेवलपमेंट के अंदर 80% कॉस्ट कवर हुई और रेस्ट 20% फॉर द कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन और बाकी की 20% कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ट्रेनिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स। The central share is released in 7 installments. 7 installments में इसको release करा गया by the following the prescribed procedure, अलग-अलग procedure के द्वारा। The project is to be completed over the period of 5 years. 5 साल के लिए इस project को maintain करा गया। Physical performance देखते हैं DPAP की क्या है। Since the adoption of the watershed approach in the year 1995 or 1996 के अंदर, ये 2005-6 तक चला था, 24,363 project को sanction करा गया था जिसके अंदर total involved 121.82 lakh hectares का drought prone area cover था। The year wise detailed project sanction from the 1995 to 2005-6 are at annexes 2. The project period of 6,089 projects sanctioned 1995-1996 has already been over 4,000. जो 6,000 के अंदर थे वो 4,300 project के अंदर deemed complete है और funding अभी रोकी गई है 1,764 projects के लिए। Among the 18,274 projects sanctioned जो 99-2000 के अंदर हुए थे उसके अंदर 1,392 projects complete हो चुके हैं और 16,000 अभी ongoing है 2006 के sensation के according. Thus the total 5,717
16 projects are deemed completed, वो complete हो चुके हैं. Funding has been stopped to the 1764 projects की funding रोकी गई है and 16,882 projects अभी भी ongoing चल रहे हैं. The union government sanctioned block-wise new projects every year to the program district, taking into the consideration primarily the DPAP cover, performance of the ongoing projects, capacity of the new projects and the annual budget outlay etc. Basically, जो union government है वो ध्यान किस पे दे रही है कि भाई कितने projects existing में चल रहे हैं, कितने नए projects आ रहे हैं और कितने projects को already complete कर चुके हैं. During the year 2005-6, 3,000 new watershed projects has been sanctioned, नए projects sanction हुए थे, जो कि 15 लाख hectares का total cost cover कर रहे हैं, total cost 900 crores का है, period of 5 years का है. The central share is 375 crores, out of which the amount of the first installment 101.25 crores release कर दिया गया है. These projects are being implemented in accordance with the provision contained in the guidelines with the हरियाली, जितनी भी guidelines है उसके according ये projects को maintain करा गया है. Treatment of the area, area का treatment कैसे है? The estimated area treated by the DPAP is given below under the sectoral approach from the inception 31st March 1995 के अंदर 57.14 lakh hectares का एरिया था under watershed के अंदर जो हमारा यहाँ पे total expenditure दे रखा है. Financial performance हम देखते हैं इसकी. The total amount committed for these 24,363 projects, जो total amount committed करा गया था वो था total amount 6469.20 crores का एक total amount था, which 4772 crores central का share था. And इसके अंदर 1985 to 2006 के अंदर 2995.3 crores release हो भी चुका था. The year wise details of the fund release, the program, the state since the 1995 to 1996 to 2005-6 are annexed 3 के अंदर इनको denote करेंगे. The budget outlay of 2006-7 is 360 crores, water outlay 360 crores tha, which 11.84 crores has been utilized up to 17-5-2006 ke utilized ho gaya tha. Yahan pe detail ke baare mein hi discuss kar rakha hai. Ab hum baat karte hain desert development program ke baare mein. इसका मेन उद्देश्य क्या था? द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम इज टू मिनिमाइज द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द ड्रॉट एंड द कंट्रोल द डेजर्टिफिकेशन थ्रू द रिजुविनेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज बेस्ड ऑन द आइडेंटिफाइड डेजर्ट एरियाज. अलग अलग डेजर्टेड एरियाज के अंदर किस तरीके से हम मेंटेन कर सकते हैं, हमारे यहाँ कैसे रिनोवेट कर सकते हैं और डेवलप की तरफ कैसे ले जा सकते हैं. द प्रोग्राम स्ट्राइव्स टू अचीव द इकोलॉजिकल बैलेंस इन द लॉन्ग रन. लॉन्ग रन के अंदर बैलेंस कैसे मेंटेन करा जा सकता है इकोनॉमी का. द प्रोग्राम ऑल्सो एम्स ऑफ प्रमोटिंग द ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे प्रमोट करी जाती है? इंप्रूविंग द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द रिसोर्स पुअर. और रिसोर्स पुअर के अंदर कितनी इकोनॉमिक कंडीशंस हैं एंड डिसएडवांटेजेस सेक्शंस इनहैबिटेटिंग द प्रोग्राम एरियाज. अलग प्रोग्राम एरियाज के अंदर कितने सेक्शंस हमारे ज्यादातर जुड़े हुए हैं. कवरेज अप टू 1994-95 द डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज अंडर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ 131 ब्लॉक्स के इंप्लीमेंटेशन पे था ऑफ 21 डिस्ट्रिक्ट्स इन द 5 स्टेट्स. 5 स्टेट्स के अंदर था. द हनुमंत राव कमिटी रिकमेंडेड इंस्टीट्यूशन 32 ब्लॉक्स और ट्रांसफर करा था 64 ब्लॉक्स को डीपी, जो हमने ऊपर पढ़ा भी था डीपीएपी से डीडीपी पे. Inclusion of the new blocks and transfer of the blocks from the DDAP are agreed to 1995-96 के अंदर total blocks to 27 थे, 40 districts के अंदर और 7 states के अंदर. और यहाँ पे इनको reorganize करा था. नया जो cover है वो 235 blocks का है जो कि 40 districts के अंदर और 7 states के अंदर divided है. यहाँ पे जो corresponding physical areas है वो program का area total जो यहाँ वो यहाँ पे 4.75 लाख किलोमीटर्स का स्क्वायर किलोमीटर्स का है. यहाँ पे डिटेल्स जो गिवन है वो एनेक्स 1 की गिवन है. कॉस्ट नॉर्म्स और फंडिंग पैटर्न जो था वो 75% टू सैंडी एरियाज के लिए, सैंडी हॉट एरिड सैंडी एरियाज 100% और कोल्ड एरियाज के लिए 100%. अबाउट द सेंट्रल सेल 31st मार्च 1999 को इंप्लीमेंट करा था. 1 अप्रैल 1999 को ये प्रोग्राम बेसिकली 75:25 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था. हर एरियाज के अंदर जो वाटरशेड प्रोजेक्ट्स हैं वो सेंक्शन करे गए थे इस डेट के बाद 1 अप्रैल 1995 को 31 मार्च 2000 के अंदर बिटवीन 22.50 लाख टू 25 लाख तक ये प्रोजेक्ट खिंच गया था. विद इफेक्ट ऑफ 1 अप्रैल 2000 यूनिफॉर्म रेट ऑफ 30 लाख पर प्रोजेक्ट हैज बीन प्रिस्क्राइब. 30 लाख के प्रोजेक्ट की रेट भी हमारे यहाँ पे सेट हो गई थी. फिजिकल परफॉर्मेंस क्या थी इसकी? 1995 से 2005-16 के अंदर 13,476 प्रोजेक्ट्स को सैंक्शन करा गया था. 63.67.38 लाख हेक्टर्स का एरिया यहाँ पे जो कवर था. जो इसका कॉस्ट था वो एनेक्स 2 के अंदर मेंशन है. द प्रोजेक्ट पीरियड जो
2194 प्रोजेक्ट्स थे जिनको सैंक्शन मिली थी 1995 से 1999 के बीच में, ओवर और 1894 को प्रोजेक्ट्स को डीम्ड कंप्लीट हो चुके हैं जिनको फंडिंग की, और 300 प्रोजेक्ट्स की फंडिंग रोक दी गई है। अमाउंट 11,282 प्रोजेक्ट सेंक्शन जो करे गए थे 2006 के बीच के अंदर, 689 प्रोजेक्ट्स तो कंप्लीट हो गए और 10,593 प्रोजेक्ट्स अभी भी चल रहे हैं 31 मार्च 2006 के अकॉर्डिंग। टोटल 2583 जो प्रोजेक्ट्स है वो कंप्लीट हो चुके हैं और फंडिंग 300 प्रोजेक्ट्स की रुक चुकी है, 10,593 प्रोजेक्ट्स ऑनगोइंग है। ये थोड़ी सी समरी हमने दिखा दी। यूनियन सेंक्शन न्यू प्रोजेक्ट्स एवरी ईयर टेकिंग द कंसीडरेशन प्राइमरी द डीडीपी कवरेज इज अ स्टेट्स परफॉर्मेंस ऑफ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स capacity to absorb new projects and annual budget। Union government यहाँ पे हर एक project को sanction करती है किस तरीके से maintain करना है, कितना पैसा आएगा, कहाँ से आएगा। 2000 new watershed projects भी sanction करेगा जो कि cover कर रहे हैं 10 लाख hectare का area land जिसकी total valuation 600 करोड़ रुपए है। Central का share 450 करोड़ है, ये हमने ऊपर भी discuss कर लिया था। एरिया जो भी ट्रीट करा गया है ये पूरा एरिया के बारे में हमने यहाँ पे DDP के एरियाज के बारे में भी देख लिया है। यहाँ पे अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें इसके तो 13,476 प्रोजेक्ट्स हैं जिनका जो टोटल कॉस्ट है 3,870.68 करोड़ है जो कि अब तक रिलीज हो चुका है। जेंटल का जो शेयर है वो 2,952.67 करोड़ है। 96 से 2006 के अंदर 1500 करोड़ अब तक रिलीज हो चुका है। इस ईयर के ईयर वाइज फंडिंग की अगर बात करें तो 96 2005 के अंदर मेंशन है स्टेट स्कीम। बजट का आउटलेट 270 करोड़ था, 7.67 जो रिलीज हो चुका है 2006 के अकॉर्डिंग। एक रिव्यू प्रोसेस अगर बात करें तो इंप्लीमेंटेशन जो टोटल गया है वो 13,476 प्रोजेक्ट्स का गया है 2006 के अंदर जो कि इंडिकेट करता है कि स्टेट को अब तक जो कवर करना है वो 72.34 ही कवर करना है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हमने अलग-अलग प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कर ली, डीपीएपी की बात करी और डीडीपी प्रोजेक्ट्स की भी बात कर ली। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।